हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दूसरी कंट्रियों में जितने भी भारत के राजदूत चुने गए हैं 2019 में, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को और ग्रुप में शेयर कर देना। छोटी सी वीडियो रहेगी, स्किप मत करिएगा। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी पर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा कंप्लीट कोर्स कवर कराया जाता है एक सिस्टमेटिक वे में। जब भी आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको सौरभ 11 कोड का यूज करना है 10% डिस्काउंट और अदर सभी बेनिफिट्स के लिए। तो आपको एक कोड जरूर ध्यान रखना है जब भी आप अनअकैडमी प्लस से कोर्स परचेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भारतीय राजदूत कौन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंट्री रहेगी, ठीक है। यानी कि सभी कंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 25 कंट्री आपने पढ़ लिया, 25 कंट्री के राजदूत, तो यही इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर रहेगा पवन कुमार, ठीक है। कौन रहेगा? पवन कुमार भारत के राजदूत है कहाँ पे? यूएई में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? फटाफट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? बिल्कुल दोस्तों, संतोष झा है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, और मुझे लगता है कि आपने भी यही आंसर किया होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, वियतनाम में भारतीय राजदूत कौन है? वियतनाम में भारतीय राजदूत दोस्तों कौन है? बिल्कुल, प्रणय कुमार वर्मा इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों। आई होप कि आपने भी यही आंसर किया होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं ना, लाइव नहीं देख रहे हैं, तो तब भी आपको आंसर सभी क्वेश्चंस का नीचे कमेंट बॉक्स में करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकारागुआ गणराज्य में भारत के राजदूत कौन है? निकारागुआ गणराज्य में भारत के राजदूत दोस्तों कौन है? उपेंद्र सिंह रावत। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ये 2019 में ही नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? विनय कुमार इसका सही उत्तर रहेगा प्यारे दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और देखिए दोस्तों, अनअकैडमी पर जो प्लस कोर्स होता है, पेड कोर्स होता है, उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ 10 सेकंड में। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, उसमें अपना मोबाइल नंबर भर के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइनें दिखेंगी, उन 3 लाइनों पर क्लिक करके कोने में वहां पे आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। रेलवे, बैंक, एसएससी, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही गोल आपको सेलेक्ट करना है। और गोल सेलेक्ट करने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, 12 या 6 मंथ का आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप पेमेंट करते हैं तो उससे पहले आपसे पूछ जाते हैं कि कोई रेफरल कोड आपके पास है, तो हाँ बिल्कुल है। टॉपिक स्टडी का जो रेफरल कोड है आपका सौरभ 11 है, तो इस कोड का आप यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में ले सकते हैं, और इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं वो भी सारे आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे 8279711646 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे अगर लेना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, माली में भारतीय राजदूत कौन है? माली में भारतीय राजदूत कौन है? अंजनी कुमार दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, अंजनी कुमार, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काबो वर्डे गणराज्य में भारत की राजदूत कौन है? काबो वर्डे गणराज्य में भारत की राजदूत कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल दोस्तों, गोंडावर्ती वेंकट श्रीनिवास इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट है, आयरलैंड में भारतीय राजदूत कौन है? आयरलैंड में भारतीय राजदूत कौन है? तो संदीप कुमार इसका सही आंसर रहेगा, संदीप कुमार इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट आता है, अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? इंपॉर्टेंट है, पता आपको सभी को होना चाहिए इस क्वेश्चन का। देखिए हर्षवर्धन श्रृंगला इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सऊदी अरब में भारतीय राजदूत कौन थे?
डॉक्टर ओसाफ सईद इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राजदूत कौन है? दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राजदूत है जयदीप सरकार, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट आता है, भूटान में भारतीय राजदूत कौन है? तो ये तो सारे आपको पता होना चाहिए, भूटान नेपाल जितने भी हैं, ठीक है। अब पड़ोसी देश के तो सभी का पता होना चाहिए। तो रुचिरा कंबोज इसका सही आंसर रहेगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रूस में भारतीय राजदूत कौन है? अब रूस में बताइए, रूस का भी आपको पता होना चाहिए। डी बाला वेंकटेश वर्मा, वेरी गुड गाइस। तो ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर, डी बाला वेंकटेश वर्मा। और यहाँ पे आपका दोस्तों ये करेक्ट कर लीजिए एक बार पहले। तो बेलारूस में भारतीय राजदूत कौन है? बेलारूस में भारतीय राजदूत कौन है? संगीता बहादुर इसका सही आंसर रहेगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? रीवा गंगुली दास, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है, तो रीवा गंगुली दास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, म्यांमार में भारतीय राजदूत कौन है? म्यांमार में भारतीय राजदूत दोस्तों सौरभ कुमार है। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जर्जिया में भारत के राजदूत कौन है? जर्जिया में भारत के राजदूत कौन है? किशन दान देवल इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। इराक गणराज्य में भारत के राजदूत कौन है? इराक गणराज्य में भारत के राजदूत कौन है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा बीरेंद्र सिंह यादव, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इराक गणराज्य में भारत के राजदूत है बीरेंद्र सिंह यादव। चलिए नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? नेपाल का आप बताइए, नेपाल का आपको जरूर पता होना चाहिए। बिल्कुल मंजीव सिंह पुरी, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन में भारतीय राजदूत कौन है? ब्रिटेन में भारतीय राजदूत कौन है? तो सही आंसर रहेगा रुचि घनश्याम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, न्यूजीलैंड में भारतीय राजदूत कौन है? न्यूजीलैंड में भारतीय राजदूत कौन है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मुक्तेश कुमार परदेसी, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट आता है, चीन में भारतीय राजदूत कौन है? चीन में भारतीय राजदूत कौन है? तो सही आंसर रहेगा विक्रम मिश्री, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, स्पेन में भारतीय राजदूत कौन है? अब स्पेन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्पेन में भारतीय राजदूत कौन है, तो संजय वर्मा इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए आगे जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उनमें संजय ऐड है, संजय या संजीव, तो इसलिए मैंने संजय और संजीव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक ही साइड में ले लिए, तो आप याद कर सकते हैं स्पेन के भारतीय राजदूत संजय वर्मा है। नेक्स्ट हमारा है, मालदीव के भारतीय राजदूत कौन है? तो मालदीव के भी देखिए संजय है, बट उसमें लास्ट में क्या है, संजय सुधीर, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा। तो पहला जो था स्पेन में भी संजय है, दूसरे मालदीव में भी संजय सुधीर है, तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। जापान में भारत के राजदूत कौन है? फटाफट आंसर बताइए। तो इसमें भी संजय है, तो संजय कुमार वर्मा रहेगा, ठीक है।
तो ये आप समझ पा रहे होंगे, इस तरी इसीलिए मैंने ये तीन चार जितने भी हैं सारे, अभी ये सारे मैंने एक साइड में ले लिए। जापान के कौन है? संजय कुमार वर्मा है। नेक्स्ट हमारा आता है कोलंबिया में भारत के राजदूत कौन है? तो कोलंबिया में क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, संजय और संजीव। तो यहाँ पे संजीव है, और संजीव कौन है? रंजन। तो संजीव रंजन है कोलंबिया के, ठीक है? तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी वीडियो दोबारा देख लेना। इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संजय और संजीव वाले सारे चल रहे हैं, तो इसमें है संजीव कुमार, ठीक है? तो इजराइल में भारत के